पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किनमू शी फैमिली के एक समारोह में आई होती है, लेकिन तब वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, जिस वजह से किनमू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी वो उनकी बातों को अनदेखा कर रही होती है। तब अपनी बीवी का मजाक उड़ता देख जुयान एक पोयम लिखकर उन लड़कियों के पास भेज देता है, जिसे पढ़कर वो लड़कियां भी हैरान रह जाती है कि ये कितनी अच्छी पोयम है। साथ ही उस पोयम की लाइन सुनकर किनमू भी वहां से हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइन उसके पूरे मन को भा गई थी। लेकिन तभी वहां पर कुछ वॉरियर्स आने लगते हैं जो कि किनमू को मारने के लिए आए थे, जिसके बाद यहां से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन्हीं वॉरियर्स को देखते हैं जो किनमू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, इससे पहले ही वहां पर वो लड़की आ जाती है जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वॉरियर्स उसे ही उठाकर बहुत दूर फेंक देते हैं। ये देखकर किनमू भी घबरा जाती है, जिसके बाद वो वॉरियर्स दोबारा से किनमू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जहां वो उसके ऊपर पीछे से अटैक कर रहे होते हैं और इस वजह से उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। लेकिन वो वॉरियर्स अब भी नहीं रुकते और अपने पावरफुल वेपन को एक्टिवेट करते हुए किनमू से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ उन्होंने किनमू को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और अब किनमू के पास यहाँ से भागने का रास्ता भी नहीं था, वो वहां पर घिर गई होती है। साथ ही वो लोग जो आसपास खड़े थे वो सभी एक जगह छुप जाते हैं ताकि ये सारी फाइट का तमाशा देख सके। वो तो कहते हैं कि ये सारे वॉरियर्स तो पोस्ट हीवन रियल में है, इन्हें हराना इतना आसान काम नहीं होगा। तो आखिर किनमू कैसे इनसे बच पाएगी? वही हम एक वॉरियर को देखते हैं जो जैसे ही उड़ते हुए किनमू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, सही टाइम पर वहां पर जुयान आ जाता है, जो ऐसा खतरनाक अटैक उस वॉरियर पे कर देता है कि वो वॉरियर वहीं पे मारा जाता है, जो कि जुयान के पास एक ही अटैक से मर गया था। जिसके बाद जुयान अपनी बीवी को वहां से उठाता है, अपने साथ खड़ा कर लेता है। लेकिन तब बाकी वॉरियर उससे कहते हैं, तुम्हारी पावर्स तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज एक के साथ एक फ्री मिलेगा मारने के लिए। जिसके बाद एक वॉरियर अपनी किलिंग हैट का इस्तेमाल करता है और जैसे वो अपनी हैट को घुमाता है, उसके अंदर से काफी सारी ब्लेड निकलने लगती है, जो सारी की सारी ब्लेड जुयान की तरफ जाने लगती है। लेकिन जुयान इससे बच जाता है और फिर अपनी बीवी को भी गिरने से बचा लेता है। लेकिन तब वो हैट एक मूर्ति का सर काट कर उसे उन लोगों के पास ही फेंक देती है, जो देखकर वो तीनों लोग एकदम घबरा जाते हैं कि अरे ये तो कितना खतरनाक वेपन है, इससे तो हमारा जेंडर ही बदल जाता। वहीं वो वॉरियर दोबारा अपनी किलिंग हैट का इस्तेमाल करते हुए उसे जुयान की तरफ फेंक देता है, जिस चीज से जुयान दोबारा अपनी स्वॉर्ड की मदद से लड़ रहा होता है। लेकिन तब वो वॉरियर अपने हेड के रेप्लिका बनाते हुए कई सारी हेड को जुयान की तरफ भेज देता है, पर जुयान इससे भी कहां डरने वाला था, वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए आसानी से उन सारी हेड को खत्म किए जा रहा होता है। ये देखकर वो वॉरियर भी हैरान था कि आखिर इसके पास इतनी सारी पावर्स कैसे आ गई, ये तो काफी कमजोर था, पर अचानक से कुछ दिनों में इसे क्या हो गया है जिस वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जिसके बाद जुयान दोबारा से उन वॉरियर से लड़ने के लिए चला जाता है, जहां वो अब अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उससे काफी खतरनाक अटैक करते हुए उन वॉरियर्स के ऊपर किए जा रहा होता है, जिसके सामने वो वॉरियर्स भी कमजोर होते हैं। तब जुयान एक वॉरियर के सामने आकर अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है और एक ही खतरनाक अटैक करते हुए उस वॉरियर को वहीं पर काट देता है, जिस वजह से वो वॉरियर मारा जाता है। वहीं ये चीज देखकर वो तीनों लोग एकदम हैरान रहते हैं कि ये जुयान तो कितना कमजोर था और अचानक से इसे क्या हो गया, जिसने पोस्ट हीवन रैम के वॉरियर्स को मार गिराया, वो भी एक नहीं तीन तीन को। आखिर इसे हो क्या गया है, ऐसे कोई खजाना हाथ लग गया है क्या जिसकी पावर्स इतनी जल्दी बढ़ा देता है, इसका तो पता लगाना होगा। जिसके बाद जुयान किनमू के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे शी फैमिली के लीडर के पास ले जाने लगता है। ये देखकर किनमू भी हैरान रह जाती है कि तुम कहां पर जा रहे हो, वहां जाना ठीक नहीं है, तुम जानते भी हो कि शी फैमिली का लीडर कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम उससे नहीं लड़ पाओगे। तब जुयान कहता है, आखिर मैं कैसा हस्बैंड हुआ जब मैं तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शी फैमिली के लीडर के पास जा रहा हूँ और उससे इसका जवाब मांगूंगा कि आखिर उसने इस तरह का खतरनाक अटैक तुम पर क्यों करवाया। जिस पर किनमू कहती है, ये बात तो अच्छी है लेकिन मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, कहीं तुम्हें वहां पर जाकर कुछ चोट ना लग जाए। तब वो लड़की जुयान से कहती है, किनमू सही कह रही है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, तुमने तो इन वॉरियर्स को मार दिया लेकिन इन वॉरियर्स से कहीं गुना ज्यादा ताकत शी फैमिली के लीडर में है, इसलिए वहां पर जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तब जुयान कहता है, ये बात भी मुझे वो कह रही है जिसे शी फैमिली नहीं
ही अडॉप्ट किया है। ये भी हो सकता है कि इन सब के पीछे तुम ही इसकी जिम्मेदार हो, इसलिए तुम मेरे सामने तो कोई सलाह मत देना। जिसके बाद वो गुस्से में किनमू का हाथ पकड़े उसे शी फैमिली के लीडर के पास ले जाने लगता है। किनमू उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो तो सुनने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उसे अब शी फैमिली के लीडर से जवाब चाहिए। अगर वो जवाब नहीं भी देगा तो मुजियान उससे लड़ेगा और अपनी बीवी का बदला लेगा उससे। वहीं वो लोग ये देखकर एकदम हैरान रहते हैं कि मुजियान को आखिर हो क्या गया है। इसकी पावर्स तो बड़ी हैं लेकिन दिमाग और ज्यादा कम हो गया है। ये जानता भी है कि शी फैमिली कौन है, ये अकेला है और शी फैमिली के ही सेक्ट के अंदर आ चुका है और जिसके बाद वो शी फैमिली के लीडर से लड़ने जा रहा है। क्या कमाल की बात है, लगता है ये अपने आप को किसी तरह का हीरो समझता है। इसलिए हिम्मत दिखाते हुए दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके ही लीडर से जवाब मांगने जा रहा है। ये तो सच में पागल हो चुका है, पर खैर कोई बात नहीं, ये चीज देखने में तो मजा ही आएगा। वही किनमू ये सारी चीजें देखकर एकदम हैरान रहती है कि जुयान को अचानक से हो क्या गया है। पहले ये कितना डरपोक था और इसे कुछ भी नहीं आता था और अचानक से ये इतना ज्यादा पावरफुल और हिम्मत वाला कैसे बन गया। जिसके बाद जुयान शी फैमिली के लीडर के घर के पास आते हुए उसके दरवाजे पे ठोकने के बजाय सीधा दरवाजा ही चकनाचूर कर देते हैं। तब ये देखकर वहां पर कई सारे सिपाही आ जाते हैं जो सभी जुयान से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जुयान भी उनका काफी अच्छे तरीके से मुकाबला करता है, जहां एक भी सिपाही उसके सामने नहीं टिक पाता और वो काफी खतरनाक हीरो की तरह उनसे फाइट किए जा रहा होता है, जहां वो उन्हें उठा उठा कर दूर फेंक रहा था और कोई भी सिपाही उसका बाल तक बांका नहीं कर पाता। तब ये देखकर बाकी बचे हुए सिपाही डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वही ये चीज देखकर वो तीनों लोग कहते हैं, इसने तो कहा था कि ये शी फैमिली के लीडर से जवाब मांगेगा, लेकिन उसने तो उसके कितने सारे सिपाहियों की जान ले ली, अब नहीं लगता कि ये मामला खाली बात करने से सुलझेगा, फाइट तो जरूर होगी। तब वहां पर शी फैमिली का लीडर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो आते साथ ही जुयान से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे सिपाहियों की जान लेने की, तुम जानते भी हो किसके इलाके में खड़े होकर किसकी सिपाहियों की जान ली है तुमने। साथ ही वहां पर शियाओ भी होता है जो जुयान से आकर कहता है, ये तुम्हारी सिटी नहीं है, ये शी फैमिली की सिटी है, यहाँ पर तुम्हारे कोई रूल नहीं चलने वाले, इसलिए तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब जुयान शी फैमिली के लीडर से कहता है, मुझे बस इसका जवाब चाहिए कि आखिर तुमने मेरी बीवी को मारने के लिए इन वॉरियर्स को क्यों भेजा था, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आया होता तो उसकी जान चली गई होती, तब इसका जवाब कौन देता, वो तो अच्छा हुआ मैंने उन तीनों वॉरियर्स को बस कुछ ही मिनट के अंदर खत्म कर दिया, वरना आज तो कुछ अनहोनी हो जाती। ये सुनकर शियाओ भी हैरान रह जाता है कि अरे मैंने तो कितने पावरफुल वॉरियर को उसे मारने भेजा था, लेकिन इस जुयान ने तो बस कुछ मिनट के अंदर ही उनका खेल खत्म कर दिया, आखिर इसे हो क्या गया है। तब शी फैमिली का लीडर कहता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उन वॉरियर्स को हमने भेजा था, तुमने बस शक की बिना पर हमारे इतने सारे सिपाहियों को मार दिया, इसलिए जवाब तो अब मुझे तुमसे चाहिए, बताओ तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तब जुयान कहता है, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, अगर तुम्हें जवाब ही चाहिए तो हमारी दुश्मनी तो पहले से ही है, तुमने हमारी सिटी के कितने लोगों को परेशान किया है, उसकी सजा के लिए मैं तुमसे आज फाइट करूंगा, अगर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर शी फैमिली के लीडर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर सारे लोग एकदम हैरान रहते हैं। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।